बैक टू माई यूट्यूब चैनल नवीन वशिष्ठ व्लॉग। और आज काफ़ी टाइम बाद हम वीडियो कवर अप कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। देखिए, वीडियो में आगे मूव ऑन करने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आप सभी को यूजफुल और हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर गुड़गांव में कोई भी आपकी प्रॉपर्टी आप उसे सोल्ड आउट करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बाय के रिगार्डिंग भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं फर्दर प्रॉपर्टी अपडेट्स के लिए। चलिए आइए अब हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, गुड़गांव के अंदर तो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट अब आने ऑलमोस्ट बंद से हो गए। किसी का सेकंड फेज थर्ड फेज में कुछ यूनिट अगर बाकी हो रह रही हैं तो वो लाइव आती है, अन्यथा कोई फ्रेश प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग का नहीं है। अब सोना में हमारे पास कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बचते हैं, जो कुछ प्रोजेक्ट्स अभी सोना में ही लेफ्ट ओवर रह गए हैं। सोना में ही अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट आएंगे फ्यूचर में। आगे हम बात करते हैं। देखिए, अभी फ्यूचर में दो प्रोजेक्ट सोना के अंदर आने हैं। एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ ही में 4S डेवलपर का एक प्रोजेक्ट आने वाला है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। 4S बिल्डर का नाम है, काफ़ी जाना माना बिल्डर है, मतलब पास में कुछ लग्जरी फ्लैट्स में इसने काम किया है। तो इसका अफोर्डेबल हाउसिंग का एक प्रोजेक्ट आने वाला है, लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ आने वाला है। देखिए, वीडियो में मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मैं खाली अफोर्डेबल जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसके बारे में अपडेट कर रहा हूँ। मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा कि आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिए या ना कीजिए, मैं खाली अपडेट दे रहा हूँ कहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो सोना सेक्टर 36 में एक ये 4S का आने वाला है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, और सेकेंड एक और आने वाला है सेक्टर 7 में एक और अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट आएगा जो आपको दिसंबर तक लाइव दिख जाएगा, ROF का वो आने वाला है। ये दो प्रोजेक्ट आने वाले हैं सोना में। और अगर हम गुड़गांव की बात करें तो सेक्टर 92 में ROF का मल्टास प्रोजेक्ट है, वहाँ पे 3 BHK की यूनिट्स हैं कुछ अभी हमारे पास सेल के लिए। 75 to 80 lakhs में आपको अभी 3 BHK की वहाँ पे 92 ROF मल्टास में 75 to 80 lakhs के अंदर 3 BHK की यूनिट्स अवेलेबल हो जाएंगी। और अभी हमारे पास एक पिरामिड अर्बन होम सेक्टर 86, वहाँ पे भी 2 BHK की कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं। और सिग्नेचर सिनेरा सेक्टर 81, वहाँ पे 1 BHK की कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं। ये वीडियो स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ही कवर अप हमने की है। जैसा कि आप सभी को पता है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। पहले शायद 4,042 होते थे, अभी 5,055 के आसपास रेट हो गए, तो काफ़ी प्राइजेस भी हाइक हो चुके हैं। तो सोना में अभी आपको जो कुछ फ्यूचर में अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स दिखेंगे वो सोना में ही दिखेंगे। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक अडोर का प्रोजेक्ट लाइव हुआ था, उसकी तो एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी हैं। अभी फ्यूचर में दो प्रोजेक्ट आने हैं, ROF का और 4S का। 4S का 2-4-6 दिन में लाइव हो जाएगा TCP की साइट पर, और ROF का प्रोजेक्ट को आने में अभी 1-2 महीने का टाइम है। तो जिसको भी फ्रेश एप्लीकेशन में अप्लाई करना हो वो TCP की साइट से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कीप सपोर्टिंग गाइस। और गुड़गांव में अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी आप उसे सोल्ड आउट करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। एनी टाइम यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर फर्दर प्रॉपर्टी अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।